हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हो गए हैं सुबह के 9:15 और हमारी मैडम जो है वो अभी जग गई है। वैसे तो यूजुअली ये 10-10:30 तक सोती है, बट पता नहीं क्यों आज जल्दी उठ गई। कुछ देर बेड पे टाइम स्पेंड करने के बाद मैं इसको फ्रेश कराने के लिए लेके आई। यहाँ पे मैं इसको ब्रश करवाने का ट्राई कर रही थी ये बेबी ब्रश से, पर इसको ब्रशिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ ताकि उसको धीरे धीरे करने की आदत हो जाए। तो फ्रेश होने के बाद हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। मिन्हा के लिए मैं रोटी को थोड़ा ग्राइंडर में चर्न करके दूध में भिगा के खिलाती हूँ, क्योंकि रोटी बहुत सॉलिड रहती है ना और पूरा च्यू कर नहीं पाएगी। और साथ ही साथ मैं अपनी रोटी से भी इसको छोटे छोटे पीसेस करके देती हूँ और वो खा लेती है आराम से। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी इसका खेलने का टाइम होता है। ये अपने टॉयज के साथ खेलती है और साथ ही साथ कार्टून भी देखती रहती है। इसको अगर कुछ कार्टून पसंद नहीं आएगा ना, तो ये हमेशा बार बार रिमोट लाके देती है चेंज करने के लिए। एक कार्टून भी पूरी तरह से देखती नहीं है, बार बार चेंज करने को रिमोट दिखाती रहती है। खेलने करने के बाद अभी इसका नहाने का टाइम था। ये बाथिंग टाइम तो बहुत एंजॉय करती है। एक्चुअली इसको पानी में खेलना बहुत पसंद है। तो नहला देने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ पानी में खेलने के लिए। फिर मैं इसको थोड़ी देर बाद दूध दे देती हूँ और ये दूध पीते पीते अभी इसका सोने का टाइम आ गया था। पीते पीते ये सो गई थी, तो ये आराम से एटलीस्ट 45 मिनट्स तक सो जाती है और मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, सुबह के जो नाश्ते के बाद के बर्तन थे वो धो रही थी, फिर अपना लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। और उठ गई थी ये, सिर्फ आधे घंटे के लिए सोई थी। जब तक लंच का टाइम होता है मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्नैक्स दे रही थी। ये मैंने इसको सेव दिया है भुजिया और ये साथ में पफ कॉर्न्स दिया था, और ये टीवी देखते देखते आराम से खा लेती है। खाने के साथ ये देखिए इसने ये क्या हाल कर दिया है, पूरा कारपेट पे बिछा दिया है सारा सब कुछ और कारपेट का ही उठा के खा रही है। सब खाने करने के बाद अभी ये देखिए घर की हालत क्या हुआ है।
बट कोई नहीं, बच्चे हैं, ये तो सब होता रहता है। खेलती है, खाती है, गिराती है, ये हर घर में कॉमन है। बच्चे तो सब ऐसे ही करते हैं। मिन्हा, व्हाट आर यू डूइंग? मिन्हा, मिन्हा, अपने आप में बिजी है। और अभी टाइम हो गया था लंच का, और यहाँ पे मैं मिन्हा को कुछ अलग से कुक नहीं करती हूँ। जो भी हम हमारे लिए बनाते हैं, वाइट राइस और करी, वो वाइट राइस को जब गरम गरम पकता है तो तभी मैश कर देती हूँ, एंड देन उसमें थोड़ी सी करी और थोड़ा सा घी ऐड करके उसको अच्छे से पेस्ट बना के खिला देती हूँ, तो वो आराम से खा लेती है। और साथ ही साथ मैं अपना भी लंच कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से लंच हो गया था हमारा, और यहाँ पे देखिए बाहर का मौसम, धूप है बट साथ ही साथ धूप में ठंडी हवा भी आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ पे टीवी देखते देखते ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेने के बाद हम लोग उठ के फ्रेश हो गए थे और यहाँ पे निकले थे बाहर। ऐसे ही अपार्टमेंट के नीचे जा रहे थे, और ये मैडम की एक्साइटमेंट तो देखिए, इसको जैसे ही पता लगता है कि हम लोग नीचे या कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये अपने शूज़ पहले से ही ला कर दे देती है, और बहुत खुश रहती है नीचे जाने के लिए। नीचे आए हैं तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी ले लेती हूँ, कहीं दूर नहीं है, घर के पास ही नीचे में एक सुपर मार्केट है, और डिनर के लिए मुझे कुछ थोड़ी ग्रोसरी लेनी थी, तो हम लोग वहीं जा रहे थे ग्रोसरी लेने के लिए। और यहाँ पे रास्ते में हम लोगों को कुछ कैट्स दिख गए थे। मिन्हा को तो ना कैट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये बहुत एंजॉय करती है उनको देख के, उनके साथ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। डिनर के लिए मैं यहाँ पे मेथी की भाजी क्लीन कर रही थी, और ये देखिए यहाँ पे ये क्या हाल कर रही है घर का। मिन्हा, तो अभी टाइम हो गया है शाम के 7:30, और हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से। ऑफिस से आने के बाद हस्बैंड को बहुत भूख लगती है, और वैसे भी डिनर में बहुत टाइम रहता है, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाती रहती हूँ, और यहाँ पे हम लोग वही एंजॉय कर रहे थे। तो ये रहा हमारा मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।